हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज असी पढ़ांगे जमात अठवीं पाठ नंबर 18, हवा ते पानी दा प्रदूषण। साढ़े बड़े बडेरे उस नीले आकाश, साफ पानी अते शुद्ध हवा दे विषय विच गलबात करदे हन जो उन्हां दे समें विच उपलब्ध सन। जन संचार के साधन वातावरण की गुणवत्ता विच लगातार हो रही गिरावट के विषय ते नियमित रूप में जानकारी देंदे रहिंदे हन। असी खुद अपने जीवन विच हवा ते पानी के गुणा विच हो रही गिरावट के बुरे प्रभाव का अनुभव करते हाँ। उदाहरण वजों साह रोगों तो पीड़ित व्यक्तियों की संख्या विच लगातार वाधा हो रहा है। असी उस समय की कल्पना करके डर जाते हाँ जदों सानू स्वच्छ हवा अते पानी उपलब्ध नहीं होंगे। तुसी अपनियां पहलियां जमातां विच हवा अते पानी दे महत्व नूं समझ लिया है। इस अध्याय विच असी अपने चार चुफेरे होने वाले हानिकारक परिवर्तना अते साडे जीवन ते इन्हां दे प्रभावां दे विषय ते अध्ययन करांगे। हवा प्रदूषण। असी कुछ समय तक भोजन तो बिना जीउंदे रह सकते हाँ, परंतु हवा तो बिना तो असी कुछ पल भी जीउंदे नहीं रह सकते। यह सधारण तत्त सानू दसदा है कि स्वच्छ हवा साडे लई किन्नी महत्वपूर्ण है। तुसी ये जानते हो कि हवा गैसां दा मिश्रण है। आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन अते लगभग 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन अते जल वाष्प भी हवा विच थोड़ी मात्रा विच मौजूद हैं। हवा किवें प्रदूषित होंदी है? जड़े पदार्थ हवा नूं दूषित करते हैं उन्हां नूं हवा प्रदूषक कहिंदे हन। कदे कदे यह प्रदूषक कुदरती स्रोतों तो जिमें ज्वालामुखी का फटना, जंगलों विच लगी अग तो उठा धुआं अते धूड़ द्वारा आ सकते हैं। मनुखी क्रियावां राहीं भी हवा विच प्रदूषक मिलते रहिंदे हन। इन्हां हवा प्रदूषकों का स्रोत फैक्टरी, पावर प्लांट, स्वैचलित वाहन तो निकलियां गैसां, लकड़ी अते पाथियां दे जलन नाल निकलिया धुआं हो सकता है। बहुत सारियां साह दियां समस्यावां हवा प्रदूषण कारण होंदियां हन। आओ ये जानन की कोशिश करिए कि प्रदूषित हवा विच किहड़े किहड़े पदार्थ प्रदूषक वजों मौजूद हन। की तुसी कदे ये ध्यान दिता है कि साडे शहर विच वाहनां दी संख्या किन्नी तेजी नाल वध रही है? वाहन बधेरे मात्रा विच कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड अते धुआं पैदा करते हैं। पेट्रोल अते डीजल वर्गे वाहनों के अधूरे बलन नाल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होंदी है। यह एक जहरीली गैस है। यह खून विच ऑक्सीजन लैके जाने की समर्था नूं घटा देंदी है। सर्दियों विच वायुमंडल विच दिसण वाले कोरे वर्गी मोटी परत याद है? यह धूम कोरा स्मोग हुंदा है जिहड़ा धुएं अते कोरे तो बनता है। धुएं विच नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मौजूद हो सकते हैं जो हवा प्रदूषकों अते कोरे दे संयोग नाल धूम कोरा बनाते हैं। इस दे कारण साह लैण विच मुश्किल होण वाले रोग जिमें दमा, खंघ अते बच्चियां विच साह दे नाल आवाज़ पैदा हो जाती है। कई उद्योग भी हवा के प्रदूषण लिए जिम्मेवार हैं। पेट्रोलियम सुधाई कारखाने सल्फर डाइऑक्साइड अते नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्गे गैसी प्रदूषकों के मुख्य स्रोत हैं। थर्मल प्लांट विच कोले वर्गे बालण के बलण नाल सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होंदी है। यह फेफड़िया नूं स्थाई रूप में नुकसान करन दे नाल नाल सांस समस्यावां भी पैदा करती है। होर किस्म के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरो कार्बनस हैं जिन्ह की वरतों रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर अते
एरोसोल फुहार विच हुंदा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दे नाल वातावरण की ओजोन परत नष्ट हो जाती है। याद करो, ओजोन परत सूरज तो आने वाली हानिकारक प्रभावेंगनी किरणा तो सानू बचाती है। कि तुसी ओजोन सुराख बारे सुनिया है? इस दे बारे जानने की कोशिश करो। चंगा ही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की थां ते हुण घट हानिकारक रसायणों की वरतों होने लगी है। इन्हां गैसां तो इलावा डीजल अते पेट्रोल दे जलाउण नाल चलन वाले स्वै चलित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उपजदे हन, जड़े लंबे समय तक हवा विच लटकते रहते हैं। ये नज़र नूं घटा देंदे हन। साह लैण ते इह शरीर दे अंदर पहुँच के रोग पैदा करते हैं। यह कण लोहे दे निर्माण अते खनन वर्गे उद्योगिक कार्यां द्वारा भी पैदा होंदे हन। थर्मल प्लांटां तो निकलने वाली सुआह ते अति सूखम कण भी वातावरण नूं प्रदूषित करते हैं। विशिष्ट अध्ययन ताजमहल। पिछले दो दहाकियां तो बद समय तो सैलानियों नूं सब तो बद खिंचण वाला भारत के आगरे शहर में स्थित ताजमहल चिंता का विशा बनया होया है। महारा ने यह चेतावनी दिती है कि हवा प्रदूषक इस दे सफेद संगमरमर नूं बदरंग कर रहे हैं। इसलिए हवा प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होंदे, इमारतां, स्मारकां अते बुत्तां वर्गियां नरजीव वस्तुआं भी प्रभावित होंदियां हन। आगरा अते इस दे चौहां पासियां ते स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वै चालित वाहन, रसायण अते विशेष करके मथुरा तेल सुधाई कारखाने वर्गे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड अते नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्गे प्रदूषकों नूं पैदा करने लई जिम्मेवार हन। ये गैसां वायुमंडल विच मौजूद जल वाष्पां नाल प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड अते नाइट्रिक एसिड बनाउंदियां हन। ये बरखा नूं तेजाबी बना के बरखा दे नाल धरती उत्ते बस जांदे हन। इस नूं तेजाबी वर्खा कहिंदे हन। तेजाबी वर्खा दे कारण स्मारकां दे संगमरमर दा खोर हुंदा है। इस वर्तारे नूं संगमरमर कैंसर भी कहिंदे हन। मथुरा तेल रिफाइनरी तो निकले कजल कण वर्गे कणा दा संगमरमर नूं पीला करने विच योगदान है। ताजमहल नूं सुरक्षित रखण दे लई सुप्रीम कोर्ट ने कई उपराले किए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उद्योगों नूं CNG कंप्रैसड नैचुरल गैस अते LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस वर्गे सुथरे बालणा दी वरतों दे हुक्म दित्ते गए हैं। इस तों इलावा ताज दे खेतर विच मोटर वाहनां नूं अनलैडिड पेट्रोल दी वरतों करन दे हुक्म हन। हरा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सूरज दीयां किरणां वायुमंडल विच्चों लंघण उपरांत धरती दी सतह नूं गर्म करदियां हन। धरती उत्ते पैण वालियां सूरज दीयां किरणां दा कुछ भाग धरती सोख लैंदी है अते कुछ भाग परिवर्तित होकर वापस पुलाड़ विच चला जाता है। परावर्तित विकिरणां दा कुछ भाग वायुमंडल विच रुक जाता है। ये रुकिया हुई विकिरणां धरती नूं होर गर्म कर दिंदियां हन। जे तुसी किसी नर्सरी या किसी होर थां ते हरा घर वेख्या है तो याद करो कि सूरज की गर्मी हरा घर विच दाखल तो हो जाती है पर उस तो बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई गर्मी हरा घर नूं गर्म करती है। धरती दे वायुमंडल द्वारा रोकियां गईयां विकिरणां यही काम करदियां हन। यही कारण है कि उसनों हरा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहिंदे हन। इस वर्तारे तो बिना धरती उत्ते जीवन संभव नहीं हो सकता। हुण इह वर्तारा जीवन दे लई खतरा बन गया है। इस प्रभाव लई जिम्मेवार गैसां विच्चों कार्बन डाइऑक्साइड भी एक है। तुसी जानदे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा दा एक हिस्सा है।
पौद्यां दे लई कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका का भी तुसी अध्ययन कर चुके हो, परंतु जे हवा विच कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लोड़ तो वध हो जाए तो यह प्रदूषक वजो काम करती है। एक पासे तो मनुखी क्रियावां कारण लगातार कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण विच छड्डी जा रही है, दूजे पासे वन खेतर घट रहा है। पौधे प्रकाश संश्लेषण लई वायुमंडल विचों कार्बन डाइऑक्साइड की वरतों करते हैं, जिस दे कारण हवा विच कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट हो जाती है। जंगलों की कटाई के कारण हवा विच कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की खपत करने वाले रुखों की संख्या घट जाती है। इस तरह मनुखी क्रियावां वायुमंडल विच कार्बन डाइऑक्साइड के वाधे विच योगदान दिंदियां हन। कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी नूं रोक लैंदी है अते उस नूं वायुमंडल विच नहीं जान दिंदी। सिट्टे वजों वायुमंडल के औसत तापमान विच लगातार वाधा हो रहा है। इस नूं विश्व तापन जां ग्लोबल वार्मिंग कहिंदे हन। मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड अते जल वाष्प वर्गियां होर गैसा भी इस प्रभाव विच योगदान कर दियां हन। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह इन्हां नूं भी हरा घर गैसा कहिंदे हन। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर दी सरकारां लई सोचण दा विशा बन गया है। बहुत सारे देशों के हरा घर गैसां दे उत्सर्जन विच कमी करन दे लई एक समझौता कीता है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन दे अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल एक अजिहा ही समझौता है, जिस ते बहुत सारे देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। धरती दे तापमान विच सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस जिन्ने घट वाधे दे भी बहुत गंभीर सिट्टे हो सकते हैं। हिमालय दे गंगोत्री ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग दे कारण पिघलने शुरू हो गए हैं। की कीता जा सकता है, वट कैन बी डन। हवा दे प्रदूषण नू घट करन दे लई असी की कर सकते हैं। प्रदूषण के विरुद्ध साड़ी सफलता दियां अनेक कथा हैं। उदाहरण वजों कुछ साल पहला दिल्ली दुनिया का सब तो वध प्रदूषित शहर सी। इत्थे डीजल अते पेट्रोल नाल चलण वाले मोटर वाहनों के निकले धुएं के कारण दम घुट वातावरण सी। वाहनों नूं सीसा रहित पेट्रोल CNG वर्गे होर बालण नाल चलाउण दा फैसला किया गया। इन्हां कोशिशों द्वारा शहर की हवा पहला नालों स्वच्छ हो गई है। सानू अपनी ऊर्जा जरूरत की पूर्ति करन दे लई फॉसिल बालण की थां ते बदलवें बालणा नूं अपनाउण की जरूरत है। ये बदलवें बालण सूरजी ऊर्जा, पानी ऊर्जा अते हवा ऊर्जा हो सकते हैं। दे थोड़े जिहे योगदान नाल वातावरण विच विशाल अंतर आ जाता है। असी रुख ला सकते हाँ अते गुआंढ विच लगे रुखां दा पोषण कर सकते हाँ। की तुसी वन महाउत्सव दे विषय विच जानते हो, जदों जुलाई महीने विच हर साल लखां रुख लाए जाते हैं। सानू सुके पत्तियां नू जलाउण दी बजाए उन्हां नू कंपोस्ट पिट विच पाउणा चाहीदा है, तां कि उन्हां दी खाद तैयार हो सके। पानी प्रदूषण, असी वेख्या कि जनसंख्या विच वाधा उद्योग अते खेतीबाड़ी विच वरतों दे कारण पानी दुर्लभ हुंदा जा रहा है। तुसी ये भी वेख्या होवेगा कि कपड़े धोण नहाउण आदि तों बाद तुहाडे द्वारा वरत्या गया पानी किन्ना गंदा हो जाता है। इस दा ये भाव है कि पानी विच असी कुछ अजिहे पदार्थ मिला दिंदे हाँ जो उस दे गुणां नूं घट करके उस दे रंग अते गंध नूं बदल दिंदे हन। जदों भी वाहित मल, सीवेज, जहरीले रसायण, गार आदि वर्गे हानिकारक पदार्थ पानी विच मिल जाते हैं तो पानी प्रदूषित हो जाता है। पानी नूं प्रदूषित करने वाले पदार्थों नूं जल प्रदूषक कहते हैं। पानी किवें प्रदूषित हो जाता है? गंगा भारत दियां प्रमुख नदियों विचों एक है।
ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਉੱਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਫੰਡ WWF ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 10 ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਬਿਨਾਂ ਸੁਧਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਮਰੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਦੀ ਨਿਰਜੀਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1985 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਕਾਰਜ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸਰਜਿਤ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਲੈਡ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਣ ਅਤੇ ਕਿਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਹਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਲਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਫੋਸਫੇਟਾਂ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਕਾਈ ਭਾਵ ਐਲਗੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਵਰਗੇ ਘਟਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥਣਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੀਵਾਣੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਾਣੂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਲ ਯੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਵਾਹਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਅਤੇ ਘੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਚਾਰ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
तुसी ये वेख ही चुके हो कि पानी नूं किवें फिल्टर करते हैं। ये अशुद्धियां नूं दूर करन दी भौतिक विधि है। आम प्रचलित घरेलू फिल्टर कैंडल फिल्टर हुंदा है। बहुत सारिया घरां विच सुरक्षित पानी नूं प्राप्त करन दे लई उबालन विधि की वरतों की जाती है। उबालन नाल पानी विच मौजूद जीवाणु मर जाते हैं। पानी नूं शुद्ध करन दी मुख रसायनिक विधि क्लोरीनीकरण है। ये पानी विच क्लोरीन दियां गोलियां जां ब्लीचिंग पाउडर मिला के की जाती है। सानू सावधान रहना चाहिदा है कि गोलियां दसी मात्रा तो वध नहीं पाउणियां चाहीदियां। की कीता जा सकता है, वट कैन वी डन। उद्योगिक इकाइयां लई बनाए गए नियमां नूं सख्ती नाल लागू करना चाहीदा है तां कि प्रदूषित पानी नूं सीधे ही नदियां ते झीलां विच ना बहाया जा सके। सारिया उद्योगिक खेतरां विच सोध प्लांट पाप ट्रीटमेंट प्लांट लाए जाने चाहीदे हन। व्यक्तिगत स्तर ते सानू निष्ठापूर्वक पानी की बचत करनी चाहीदी है अते उसनू व्यर्थ नहीं करना चाहिए। घट वरतों रिड्यूस, दोबारा वरतों रीयूज अते दोबारा चक्रण रीसाइकल साडा मूल मंत्र होना चाहीदा है। धुलाई अते होर दूजे घरेलू कार्यां विच वरतों हो चुके पानी की दोबारा वरतों संबंधी नवे नवे विचारां दे बारे असी सोच सकते हाँ। उदाहरण वजो सब्जियां नूं धोण लई वरते पानी की वरतों पौद्यां की सिंचाई विच कीती जा सकती है। प्रदूषण हुण कोई दुराडी घटना नहीं रह गई, ये साडे रोजाना जीवन नूं प्रभावित कर रही है। जदों तक असी सारे अपनी जिम्मेवारी नूं महसूस नहीं करते अते वातावरण दोस्ताना परिक्रमा की वरतों शुरू नहीं करते, साडा धरती उत्ते जीवन खतरे विच है।